मैं हूँ शुभ्रा, आपकी टीचर। हम लोग कुछ दिनों से दैनिक उपयोग की, मतलब रोज़ उपयोग होने वाली कुछ चीज़ों के चित्र बना रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फल और सब्जियों के चित्र बनाए और उनके बारे में जानकारी ली। आज हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा अलग हट के एक दूसरी चीज़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में ये है न्यूज़पेपर। क्या है? न्यूज़पेपर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको अखबार बोलते हैं। तो ये जो अखबार है ये किस काम में आता है? ये जो अखबार है इसमें पूरी दुनिया में जो घटनाएं घट रही होती हैं उसके बारे में जानकारी छपी रहती है, ठीक है। और ये जानकारी कहाँ पे छपती है? ये जानकारी छपती है प्रिंटिंग प्रेस में। कहाँ पे छपती है? प्रिंटिंग प्रेस में। तो देखें कि इसमें ये क्या छपा है। हाँ देखो, आज का पेपर है, देखो यहाँ पे इसमें ये डेट डली रहती है। तो कौन सी डेट डली है? बुधवार 15 सितंबर, ठीक है। तो 15 सितंबर 2021, तो बुधवार क्या है? दिन है। और 15 सितंबर क्या है? 15 जो है वो तारीख है। और सितंबर क्या है? सितंबर जो है वो साल का 9वां महीना है। और 2021 क्या है? 2021 जो है वो सन है, ठीक है। अभी देखें तो इसमें क्या खबर छपी, ओहो देखो तो इसमें छपा है सड़कों पर इतने गड्ढे, कारें डूबी। कल कितनी बारिश हुई थी ना, तो बारिश हुई थी तो देखो ये सब कारों का चित्र छपा है। देखो कारें जो है ये पानी पूरा भर गया था और कारें पूरी डूब गई थी। नदी नाले तूफान में सब लबालब हो गए थे, इतना पानी गिरा था। तो हमारे घर में तो लाइट गोल हो गई थी, तो लाइट कल वो गोल हो गई थी। तो फिर हमने क्या किया, मैंने तो क्या किया, घर में मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जानते हैं ना सब लोग क्या होती है? ये देखिए ये मोमबत्ती, इसको जलाने से क्या होता है, लाइट गोल होती है, अंधेरा हो जाता है। तो ये मोमबत्ती हम जला लेते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं तो क्या होता है, पूरा प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा प्रकाश हो जाता है, लाइट हो जाती है, मतलब हमको दिखने लग जाता है। और इस मोमबत्ती को हम किससे जलाते हैं, मोमबत्ती को कैसे जलाते हैं, किससे जलाते हैं? मोमबत्ती को जलाते हैं इससे, माचिस से। किससे जलाते हैं? माचिस से। तो मैं इसको आपको मोमबत्ती को जला के बताती हूँ, ठीक है। देखना आप मोमबत्ती कैसे जलती है। ये है माचिस, ये मैंने इसमें से तीली निकाली और तीली निकाल के मैंने ये तीली ऐसे करके घिसी। और अरे ये तो बहुत हवा आ रही है, हवा आ रही है तो मेरी तीली बुझ गई। अभी मैं क्या करती हूँ, फिर से एक तीली जलाती हूँ और इस बार मैं क्या करती हूँ, सावधानी से इसको जलाती हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने सावधानी की तो ये मेरी मोमबत्ती जल गई, है ना, मोमबत्ती जल गई। हाँ ये तो फिर से एक बार इसको और जलाते, ये फिर से एकदम से बंद हो गई। तो बार बार बंद हो जा रही है, तेज हवा चलने के कारण हमारी मोमबत्ती बार बार बंद हो जा रही है। अब मैंने इसको अच्छे से ऐसे करके जलाया, ये देखो अब हमारी मोमबत्ती जलनी शुरू हो गई। ये माचिस से हमने मोमबत्ती को जला दिया। तो ये जो मोमबत्ती है इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली, कि इस मोमबत्ती को हम जब लाइट गोल होती है उसको जलाते हैं और इसको जलाने के लिए खूब तेज़ हवा होगी या पंखा चलता रहेगा, तो इस मोमबत्ती को हम इस माचिस से नहीं जला पाएंगे, ठीक है। मोमबत्ती जलाने के लिए हमको क्या, यदि मान लीजिए कि खूब तेज़ हवा चल रही है तो हमको आसपास से हवा को रोकना पड़ेगा, और या तो ऐसे करके जब रोक सकेंगे हवा को ऐसे को रोकेंगे तो मोमबत्ती जल सकेगी। तो आज हम लोग क्या करते हैं, चलो इस मोमबत्ती का हम लोग चित्र बनाते हैं, ठीक है। इस मोमबत्ती का चित्र बनाते हैं, ठीक है।
पेंसिल, ठीक है। और पेंसिल से हमने क्या किया, ये मोमबत्ती का हमने ऊपर वाला भाग बनाया, और ऊपर वाला भाग बना के हमने क्या किया, ये वाला भाग नीचे का, ये मोमबत्ती का हमने ऐसे बनाया, ठीक है। और ऐसे बनाने के बाद हमने क्या किया, ये मोमबत्ती का हम नीचे का भाग बनाएंगे, ठीक है। तो नीचे का भाग बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ये लो मैंने किसकी मदद ली, मैंने स्केल की मदद ली नीचे का भाग बनाने के लिए। ये देखिए नीचे का भाग बनाने के लिए मोमबत्ती का मैंने स्केल की मदद ली, ठीक है। ये देखिए अच्छी लंबी सी मोमबत्ती बना ली स्केल की मदद से, ठीक है। ये लो स्केल की मदद से हम मोमबत्ती बना रहे हैं। ये देखिए ये दूसरी लाइन खींच ली, दूसरी लाइन खींच ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका ये जो नीचे वाला भाग है ये बनाएंगे, ठीक है। तो नीचे वाला भाग बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, ये नीचे वाला भाग थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ये इसको ऐसे हमने ये नीचे वाला भाग बना दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, ये जो ऐसे किया ऐसे किया, ये खड़ा करने के लिए मोमबत्ती को, मोमबत्ती को खड़ा करने के लिए ये भाग थोड़ा सा और चौड़ा है, ठीक है। तो ये चौड़ा वाला भाग हम फिर बना देंगे, ठीक है। ये चौड़ा वाला भाग हम फिर बना देंगे, ये देखो ये मोमबत्ती का नीचे वाला भाग बन गया, ये देखो, ठीक है। और ये हमारी मोमबत्ती नीचे ये खड़ी हो गई है, ये हमारी मोमबत्ती खड़ी हो गई, ठीक है। ये हमारी मोमबत्ती बन के तैयार हो गई, मोमबत्ती बन के तैयार हो गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस मोमबत्ती में रंग भर लेते हैं। तो रंग भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी आउटलाइन बना लेंगे। तो हमारी मोमबत्ती हल्के से पीले रंग की है ना, ये हल्के से पीले रंग की मोमबत्ती है, ये देखो ये देखो, ये हल्के से पीले रंग की मोमबत्ती है। तो हम इसको ये आउटलाइन बना रहे हैं मोमबत्ती की, ये देखो ये हमने मोमबत्ती की आउटलाइन बना ली, ये देखो, ये देखो मोमबत्ती की आउटलाइन बन गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये आउटलाइन बनाने के बाद में ये देखो ये मोमबत्ती की आउटलाइन बन गई, आपकी मोमबत्ती बन के तैयार हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसकी ये बत्ती बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं जैसे कि ये बत्ती जो है ये जल रही है, ठीक है। ये देखो ये बत्ती हमने अभी जलाई थी ना, ये बत्ती ऐसे जल रही है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक साइड से थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से लाइट दिख रहा है ना, तो इधर से हम एक साइड से थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं, ये देखो एक साइड से हमने इसमें पूरा लाइट कलर कर लिया, ये देखो, ये देखो इसमें हमने पूरा लाइट कलर कर लिया, ये देखो, ये देखो ये पूरा हमने इसमें लाइट कलर कर लिया। और ये वाला जो भाग है इसमें भी हमने ये थोड़ा सा ये लाइट कलर कर दिया, क्योंकि ये भाग उठा हुआ है। और इसके बाद में ये भाग जो इसके नीचे का है ये थोड़ा सा गहरे रंग का है ना, ये कर रहे हैं।
एक साइड से हमने लाइट कलर कर लिया और दूसरे साइड से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे साइड से हम इसमें गहरा रंग भर रहे हैं थोड़ा सा। ये देखो हल्का सा गहरा रंग हमने इस साइड में भर दिया। ये देखो, हाँ देखो 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 देखो, ये भर लिया हमने गहरा रंग। ये देखो ये पूरा गहरा रंग हमने यहाँ पे भर दिया। ये देखो अब हम क्या करेंगे, ये बीच में रंग भर लेंगे इसमें, ठीक है। तो बीच में हम कौन सा रंग करेंगे, जिस रंग से हमने इसकी क्या की है, आउटलाइन की है, वही वाला रंग हम इसमें बीच में भर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये हमने बीच में इसमें रंग भर लिया। ये देखो ये देखो ये देखो, ये हमने बीच में रंग भर लिया, भर लिया ना। ये देखो कितना बढ़िया आपकी मोमबत्ती बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो इसकी लौ बनी है ना, ये जो हमने जहाँ पे जलाया था उसको क्या बोलते हैं, इसको लौ बोलते हैं, ठीक है। तो उस लौ में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा, ये देखो ये थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल लाल रहती है ना लौ, आग जो जलती है वो, तो ये हम इसमें थोड़ा सा लाल रंग कर दे रहे हैं। ये देखो हमने इसको ये लौ में थोड़ा सा गहरा रंग कर दिया। ये देखो ठीक है। और इसके बाद हम क्या करें, थोड़ा सा वाइट कलर लेके हम इसमें जहाँ पे जहाँ जहाँ पे लाइट दिख रहा है वहाँ पे, ये जहाँ पे हल्का दिख रहा है वहाँ पे ये सफ़ेद वाला रंग कर दे रहे हैं, और लौ में भी हम थोड़ा सा सफ़ेद रंग कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करें, यहाँ पे हमको लाइट चमकता हुआ दिख रहा है ना, देखो लाइट चमकता हुआ दिख रहा है सीधे लाइन में, ये हमने इसकी ये देखो चमक बना दिया इसका, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसकी चमक बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपकी मोमबत्ती तो पूरी बन के तैयार हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा शेड दे देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में आखिरी में हम इसको थोड़ा सा शेड दे देते हैं, तो जिससे कि आपकी मोमबत्ती एकदम असली दिखने लगेगी, ठीक है। तो हमने शेड के लिए क्या किया, लास्ट में फिनिशिंग देने के लिए ये काले रंग को लिया, ठीक है। काले रंग से ये देखो कि हमने इसमें ये इसमें ऐसे बना दिया, ये देखो, और ये बना दिया थोड़ा सा ये और यहाँ पे हमने काला रंग, ये देखिए ये काला रंग यहाँ पर थोड़ा सा हमने कर दिया इसको, क्या देने के लिए, असली मोमबत्ती जैसा दिखाने के लिए। ये देखो ये ठीक है। अब ये आपकी मोमबत्ती जो है बिल्कुल असली मोमबत्ती जैसे चल के तैयार हो गई। देखो कैसी बन गई मोमबत्ती, देखो ये देखो कैसी बनी है मोमबत्ती, अच्छी बनी है ना मोमबत्ती। तो चलिए आप लोग आज आपने क्या सीखा, आज आपने मोमबत्ती के बारे में जाना कि जब लाइट गो हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। किससे जलाते हैं, माचिस से जलाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमको अपने आसपास की चीज़ें साफ साफ दिखने लगती हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग मोमबत्ती जलाइएगा, लेकिन मोमबत्ती जलाने के लिए मम्मी की, दीदी की या किसी बड़े वर्ग की मदद आप ले लीजिएगा मोमबत्ती जलाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं।